हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आकाश आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू अपडेट्स, जो कि हिस्ट्री का हमारा पेपर था, आर्चिव एंड म्यूजियम। ये 4 सेमेस्टर का पेपर था, तो इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे, उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको अपडेट्स दिए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल पे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे न्यू न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आप कौन से सेमेस्टर में हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न आया है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ म्यूजियम, मीन्स संग्रहालय की अवधारणा का वर्णन कीजिए। ये मैंने पहले ही बताया था कि आप इसे याद कर लीजिए, ये ज़रूर आएगा। और सेकंड क्वेश्चन जो आए हैं, अभिलेखागार को परिभाषित कीजिए तथा भारत में इसके विकास का अनुरेखण कीजिए। डिफाइन आर्चिव्स एंड ट्रेस इज डेवलपमेंट इन इंडिया। तो मैंने इसके बारे में बताया था और ये आया है। इसमें ये बताना था कि अभिलेखागार का विकास कैसे हुआ, पॉइंट्स जो जो थे वो सारे पॉइंट्स इसमें बताने थे। बात करते हैं तीसरे प्रश्न का। तो तीसरे प्रश्न जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स, एलेबरेट विल गिविंग एग्जांपल्स। संग्रहालय कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देते हुए वर्णन करना है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था। और ये सारे क्वेश्चन, इनमें से कुल पांच प्रश्न आपको करने हैं, जो कि आपको अच्छे से आते हैं। और सारे क्वेश्चन के अंक 15-15 नंबर के हैं, जो कि टोटल मिला के आपको 75 मार्क्स से गेन करने होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो आया था वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन आर्चिव्स और म्यूजियम। प्रलेखन से आप क्या समझते हैं, अभिलेखागारों अथवा संग्रहालयों में प्रलेखन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसमें आपको ये बताना था कि इसमें दोनों के क्या महत्व है, अभिलेखागार और संग्रहालयों में प्रलेखन का क्या महत्व है। तो पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफ्रेंटिएट बिटवीन एन आर्चिव एंड म्यूजियम, अभिलेखागार व संग्रहालय के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। इसमें क्या डिफरेंट है इन दोनों के बीच में, वो आपको इसमें बताना है। तो अगला क्वेश्चन जो आया है हमारा वो आया है, टेकिंग अप द केस स्टडी ऑफ म्यूजियम इन इंडिया, डिस्कस द फ्यूचर्स ऑफ म्यूजियम्स। भारत के किसी संग्रहालय का उदाहरण लेते हुए संग्रहालयों की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। आप किसी भी भारत का कोई भी एक संग्रहालय ले लीजिए और उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो बात करते हैं अपने सातवें प्रश्न का, हाउ डिड द आर्चिव्स और म्यूजियम डेवलप ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया, एग्जाम्पल एक्सप्लेन। भारत में औपनिवेशिक युग में अभिलेखागार अथवा संग्रहालय कैसे विकसित हुए, स्पष्ट कीजिए। अब आठवां क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ हैव द न्यू काइंड्स ऑफ टेक्निक्स फैसिलिटेटेड द यूज ऑफ सोर्स इन द आर्चिवल और म्यूजियम कलेक्शन इन इंडिया। नए प्रकार के तकनीकों ने किस प्रकार भारत में अभिलेखागार अथवा संग्रहालयों के स्रोतों के प्रयोग को सुविधाजनक बनाया है। देखते हैं अपना नौवां क्वेश्चन, तो डिस्क्राइब योर विजिट टू आइदर द आर्चिव्स और द म्यूजियम, अभिलेखागार अथवा संग्रहालय के अपने भ्रमण का वर्णन कीजिए। अगर आप किसी संग्रहालय में गए हैं या किसी अभिलेखागार में गए हैं, विजिट किए हैं, तो उसके बारे में आप वहाँ के बारे में इसमें बता सकते हैं, क्या क्या आपने देखा, कैसे उसका कब बना था, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों का। तो बढ़ते अपने दसवें क्वेश्चन, राइट सोर्स नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ए नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, वी प्रोसेस ऑफ डिजिटेशन, सी म्यूजियम और आर्चिव एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री।
डी टाइप ऑफ आर्चिव। निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। और ये जो 10वां प्रश्न है, इसमें से आपको कोई दो ही किन्हीं दो पे ही आपको टिप्पणी करनी है। पहला जो है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, खैर डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया इतिहास के स्रोत के रूप में संग्रहालय अथवा अभिलेखागार और अभिलेखागार के प्रकार। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस जो कि हमारे आए हैं। 10 में से ज़्यादातर इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। तो आशा करता हूँ आपने अपना एग्ज़ाम जो है वो ठीक ढंग से दिया होगा और बहुत ही अच्छा गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ जानकारी मेरे वीडियो से प्राप्त हुई हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने हाथों से प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि औरों तक ये वीडियो जा सके और उन्हें भी पता चल सके। थैंक यू।